हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका खबर फास्ट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ ही बसंत पंचमी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम लाइव में बात करेंगे पाकिस्तान के हालात पर। हालांकि पाकिस्तान में इन दिनों जिस तरीके के हालात है उस पर लगातार हम आपसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके के कंडीशन इस वक्त पाकिस्तान में है। तो अब पहले जहां पर महंगाई, लोग आटे के लिए, रोटी के लिए तरस रहे थे, एलपीजी जो सिलेंडर है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया, कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम जो हैं वो 10,000 के पार हो गए हैं। इन सब किल्लतों के बीच अब हाल ही में देखा, कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान में बिजली का संकट भी गहरा गया है। अब बिजली की तंगी भी वहां पर लोग झेल रहे हैं और अब नई किल्लत यहां पर पाकिस्तान में देखने को मिली है कि अब पानी की किल्लत से पाकिस्तान जो है वो जूझ रहा है। 3 प्रांत ऐसे हैं जो कि इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जहां पर हालात खराब हैं, लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। हालांकि ऐसे पाकिस्तान में 4 राज्य हैं, बलूचिस्तान, सिंध प्रांत और पंजाब प्रांत, जो कि इस वक्त यहां पर पानी की किल्लत से ये जूझ रहे हैं। और सबसे ज्यादा पंजाब प्रांत जो है यहाँ पर लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। 75% जो आबादी है यहाँ की वो इस वक्त पानी की किल्लत से काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस प्रांत को 1,27,000 क्यूसिक पानी चाहिए लेकिन केवल 53,700 क्यूसिक पानी ही मिल पा रहा है। तो ऐसे में लोग अब पीने के पानी के लिए भी तरस रहे हैं। आर्थिक संकट से उभर रहे पाकिस्तान के लिए इस तरीके के हालात जो है वो दिनों दिन काफी ज्यादा खराब माने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान भी श्रीलंका की राह पर चल पड़ा है, पाकिस्तान के हालात भी श्रीलंका की तरह हो गए हैं, क्योंकि जो उसका दोस्त है चीन और जिस तरीके का रवैया उन्होंने अपनाया हुआ है, तो इससे भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो है वो टेंशन बढ़ने वाली है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने से मना कर दिया है। तो सबसे ज्यादा चिंता यहाँ पर पाकिस्तान की IMF ने बढ़ा दी है। ये एक बड़ी चुनौती अब पाकिस्तान के लिए रहने वाली है कि वो अब इन हालातों से कैसे उभरेगा, इनसे कैसे पार पाएगा, क्योंकि पहले हमने देखा कि आर्थिक संकट से पाकिस्तान जो जूझ रहा है वहां पर लोग खाने के लिए मोहताज हो गए हैं, दाने दाने के लिए, अनाज के लिए मोहताज हैं, लोगों की थाली में रोटी नहीं है और अंधेरा मिटाने के लिए बिजली भी अब पाकिस्तान में नहीं है, कमर्शियल गैस सिलेंडर जो है वो 10,000 के करीब उनके रेट पहुंच चुके हैं और अब पानी की किल्लत से भी पाकिस्तान को जो है वो जूझना पड़ रहा है। बलूचिस्तान, सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत, ये इस वक्त पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। और ऐसे में हालात ये हैं कि अब दूसरे जो देश हैं वो मदद करने को राजी नहीं हो रहे हैं, उनका उदासीन रवैया भी पाकिस्तान की इस चिंता को बढ़ा रहा है। अब पाकिस्तान कैसे इन हालातों से उभरेगा, क्योंकि सरकारी खजाना जो है वो धीरे धीरे खाली होता जा रहा है और कहीं से मदद का हाथ नहीं मिल पा रहा है। तो पाकिस्तान के लिए आने वाला समय जो है वो काफी मुश्किल भरा रह सकता है। हालांकि पाकिस्तान में और क्या कुछ हालात रहेंगे आगे, उस पर भी हम आपसे लाइव आकर जरूर शेयर करेंगे। तो फिलहाल खबर फास्ट को आप देखते रहिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।